हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग हैं, सबसे ज़्यादा परेशान लोग कौन हैं जिनका चैनल हैक हो जाता है। किसी का चैनल 15,000 सब्सक्राइबर का, किसी का तो भाई मिलियन वाला चैनल भी हैक हो जाता है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? विश्वास। आप दूसरों पर विश्वास कर लेते हो और उनको अपना आईडी पासवर्ड दे देते हो, जिसकी वजह से आपका चैनल हैक हो जाता है। दोस्तों, ये होता क्यों है और किस वजह से होता है? मान लीजिए आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम या कोई रिव्यू कंटेंट आ गया हो, या आपके एडसेंस में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप या तो मनोज देसल से कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप उन्हें कमेंट करोगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, लेकिन आपकी बात का कोई रिप्लाई नहीं आएगा। फिर आप इसरा टेक्निकल पर करोगे, जब भी आपकी बात का कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो आप सबसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आएगा। फिर अचानक से ही आपके पास रिप्लाई आता है कि आपके चैनल में क्या हुआ, तो आप बताते हो कमेंट में कि इस तरह करके हमारे चैनल में ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो फिर वो आपको व्हाट्सएप पर अपना नंबर देता है कि व्हाट्सएप से बात कीजिए। आप उससे व्हाट्सएप से बात करते हो, व्हाट्सएप से बात करने के लिए आप उससे कांटेक्ट करते हो और कहते हो कि मेरे चैनल में ये प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले वो क्या कहता है कि आप मुझे अपना आईडी पासवर्ड दे दीजिए, मैं आपके चैनल को अभी ठीक करके देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो अभी ठीक करके देने वाला जो सीन है, बस यहाँ घपलाएं, क्योंकि यूट्यूब की प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व नहीं होती। अगर आपके चैनल पर रिव्यू कंटेंट आ जाता है तो आपको उसके लिए टाइम दिया जाता है कि अपने चैनल को सुधारो, अपने चैनल में कुछ बदलाव करो और तब जाकर अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो, तब जाकर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप वहाँ गलती कर देते हो, आप उसको अपना आईडी पासवर्ड दे देते हो और आपका चैनल तुरंत हैक हो जाता है। और हैक होने के बाद ये होता है, आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन सर, उस चैनल पर मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, बट एक एडसेंस में प्रॉब्लम आने की वजह से मैंने प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवाने के लिए एक बंदे के पास मेल किया और वहाँ से मेरा वो चैनल वो हैक कर लिया गया। मैंने उसको अपना पासवर्ड आईडी पासवर्ड दे दिया तो वो चैनल मेरा ले गया। तो दोस्तों, देख लिया आपने वीडियो। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा एक चैनल था रियाजुल 482 के नाम से। मैं लगभग 1 साल से उस पर मेहनत कर रहा था और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। मोनेटाइज होने के बाद मेरा चैनल एकदम से डीमोनेटाइज हो गया। यूट्यूब की तरफ से मुझे ईमेल आया कि आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। उसके बाद मैंने हेल्प मांगी, मनोज दे सर से भी मांगी, जुन्नू की टच से भी मांगी, योगी बाबा से भी मांगी, योगी बाबा यूट्यूब वाले बाबा जो हैं उनसे भी मैंने मांगी। लेकिन एक दिन अचानक रात के ठीक 8 बजे मुझे रिप्लाई आता है कि आपके चैनल पर क्या प्रॉब्लम है। मैंने आप बताया कि मेरे चैनल पर रिव्यू कंटेंट आ गया है, और आता किसके चैनल से है? सेम इसरा टेक्निकल के चैनल से। भैया सेम चैनल बना देते हैं, बिल्कुल में फ़ोटो वोटो लगाकर बिल्कुल सेम चैनल बना देते हैं। इसरा टेक्निकल के चैनल से मुझे मैसेज आया कि आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। तो मैंने उनसे बात की, उसने कहा भाई मैं अभी आपका चैनल अभी ठीक करके दे देता हूँ, आप मुझे केवल अपना आईडी पासवर्ड बता दीजिए। मैंने उनको जीमेल और पासवर्ड बता दिया, तुरंत मेरा चैनल हैक हो गया। मेरा मोबाइल साइन आउट यानी कि एकदम से ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होकर दिया गया मेरा मोबाइल। और फिर मैं इसके लिए बहुत जगह भी गया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा चैनल रिकवर नहीं हो पाया। अगर दोस्तों आप खुद से आईडी पासवर्ड दोगे तो आपका चैनल रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर आपका चैनल ऑटोमेटिकली हैक हो गया, या आपने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया, या किसी मैसेज पर क्लिक कर दिया जो जिसकी वजह से आपका चैनल हैक हो गया है, तो दोस्तों वो चैनल वापस आ जाता है। अगर आपको उस प्रोसेसर का नहीं पता, आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, आप इसी वीडियो पर कमेंट करके, अगर आपका चैनल हैक हो गया है और आपके द्वारा आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, ज़रूर कांटेक्ट करिए, मैं आपके चैनल को वापस दिलवा दूंगा। क्योंकि यूट्यूब उस चैनल को वापस कर देती है, उस चैनल को रिकवर कर देती है जो आपके द्वारा आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया। तो भैया, क्योंकि यूट्यूब भी अपने क्रिएटर्स को नाराज़ नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप किसी को ऑफलाइन पैसे देकर अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप किसी को अपना आईडी पासवर्ड मत देना। अगर आप किसी को आईडी पासवर्ड
देना भी, तो पहले उससे वीडियो कॉल से बात कीजिए, जब जाकर अपना आईडी पासवर्ड दीजिए, वरना नहीं आईडी पासवर्ड के बारे में किसी से भी बात मत कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी यूट्यूब से रिलेटेड हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर इस वीडियो पर कमेंट कर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।